महाराष्ट्र में एनसीपी में जारी उथल-पुथल को देखते हुए कांग्रेस सतर्क हो उठी है। दिल्ली में महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक में तय हुआ कि वो जनता के बीच कभी भी जाने के लिए तैयार है और कांग्रेस पवार के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। एनसीपी में उठे बवंडर के बीच कांग्रेस आलाकमान सतर्क हो चला है। दिल्ली में हुई महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में और सूबे के पार्टी नेताओं ने घंटों तक मंथन किया। पैगाम ये मिला कि कांग्रेस शरद पवार के साथ रहेगी। कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी में कोई गद्दार नहीं है, तो इसलिए ऐसी कोई एकजुट रखने की कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस एकजुट है। देखो, हम पूरे राहुल जी खुद उनके घर गए, मैं खुद उनके घर गया, उनसे मिले, तो हम लोग ऑलरेडी उनके साथ है। लेकिन आगे हम सब जितने भी शिवसेना हो, हमारी लेफ्टिस्ट हो या शरद पवार जी हो, हम सबको लेके चलने की भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। राहुल जी की तो आदरणीय राहुल जी, खुद पवार साहब के साथ उनसे मुलाकात हुई थी। हमारे स्टेट की लीडर्स, हम भी, नाना पटोले जी, थोरात साहब, हम सब लोग पवार साहब को मिले थे। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के एक वो महत्वपूर्ण हमारे नेता है, बुजुर्ग नेता है। और चलते हुए तो हम तो MBA अलायंस तो तीनों पार्टी की साथ में ही रहेंगी। आगे चलते वक्त जो डिसीजन होगा वो सेंट्रल लीडरशिप ले लेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात के बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सूबे की मौजूदा सरकार पर हमला बोला और उसे सत्ता से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। राहुल गांधी ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा, महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी का गढ़ है, यहाँ पार्टी को मजबूत करना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक हुई। महाराष्ट्र में हमारा ध्यान कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने और लोगों की आवाज उठाने पर केंद्रित है। हम मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि वहां की सत्ता पर बैठी जनविरोधी सरकार की हार हो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट के जरिए BJP पर हमला बोला और NCP में तोड़फोड़ के लिए BJP को कसूरवार ठहराया। खड़गे ने अपने ट्वीट में लिखा, भाजपा ने अपनी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर महाराष्ट्र के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी इस राजनीतिक जालसाजी का बराबर जवाब देगी। महाराष्ट्र की जनता भाजपा द्वारा किए जनादेश पर लगातार हमलों का कड़ा राजनीतिक उत्तर देगी। हमारे नेता और कार्यकर्ता महाराष्ट्र की जनता को उनको अपनी सरकार वापस दिलाएंगे। हम महाराष्ट्र की जनता के मन में अपनी जगह हमेशा से बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र और कांग्रेस के गौरवशाली रिश्ते को हम और मजबूत करेंगे। शरद पवार के साथ खड़े होने का संकल्प लेते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं ने यह भी दावा किया कि कांग्रेस सूबे में सबसे मजबूत स्थिति में है और चुनाव के लिए तैयार है। पूरी महाराष्ट्र की सिचुएशन जो है पॉलिटिकल, उसके बारे में चर्चा हुई और जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है, बाद में जो असेंबली का इलेक्शन है, उसके बारे में चर्चा हमने की कि किसी तरह से हमारी जीत अच्छी तरह हो। सर, LOP को लेके कोई डिस्कशन नहीं? कोई नहीं, कोई डिस्कशन नहीं। सकारात्मक चर्चा होती, छान चर्चा होती। आमचे मनातलं आम्ही बोलले, आमचे नेते आमच्या सोबत बोलले। अरे तुम्ही लोक पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी करायचा बिलकुल प्रयत्न करू नका। आम्ही एकदम ताकदीनिशी लोकसभेमध्ये आम्ही उतरणार। आणि ज्या तऱ्हेने आपण बघताय की BJP माध्यमातून या ठिकाणी जे राजकारण चालले, ज्याच्यामध्ये आपण बघतो की कधी राष्ट्रवादी कधी शिवसेना त्या ठिकाणी झालेले, तर विविध विषयावर चर्चा झाली, पण मॅक्झिमम चर्चा ही लोकसभेच्या येणाऱ्या इलेक्शनला कसं सामोरं जायचं त्याबद्दल। शिंदे सरकार में NCP नेता अजित पवार के शामिल होने के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति पर दिल्ली तक शोर मचा हुआ है। शिवसेना और NCP में हुई टूट के बाद अब कांग्रेस को भी डर सता रहा है कि कहीं उसके साथ भी महाराष्ट्र में खेला ना हो जाए। मुंबई से विनोद जगदाले के साथ रमन कुमार, दिल्ली, News 24।